नमस्कार साथियों, आज का वीडियो मैं आपको बता दूं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिए अगर आपको देसी मुर्गी पालन करना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखने के लिए कि मैं आपको आज अपने सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में A to Z बताने वाला हूँ। कैसे मैं पिछले 2-3 साल से सफलतापूर्वक देसी मुर्गी पालन कर रहा हूँ और उसमें बेनिफिट या प्रॉफिट भी मुझे मिल रहा है। अदरवाइज आप देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अंडे नहीं दे रही मुर्गी, या फिर सही से हमें उसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल पा रहे, हम घर का खाना देते हैं तो अंडे ना देने की प्रॉब्लम होती है, बाहर का खाना देते हैं तो बचत नहीं आती है। तो आज मैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये सच है कि देसी मुर्गी पालन में अगर आप फीड की बचत नहीं करते हैं तो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत मामूली मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा कि आपको फुल टाइम उस चीज़ को देके और अपना परिवार चला सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे विनती है जो भी नए यूजर हैं, नए व्यूवर हैं हमारे वीडियो के, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपको बताता रहूं। आपको ये बता दूं कि जो वीडियो आज मैं बता रहा हूं आपको, ऐसी वीडियो आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगी। आप चाहे सर्च कर लेना और कमेंट में मुझे बता देना इस तरह का फॉर्मूला कोई यूज कर रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं किस तरह से अपना देसी मुर्गी पालन करता हूँ, मैं बाहर का फीड भी देता हूँ लेकिन वो छोटे बच्चों को देता हूँ। बड़े बच्चों को, बड़े जो चिक्स हो जाते हैं, बड़ी मुर्गियाँ मुर्गे हो जाते हैं, उनको बाहर का फीड देता हूँ लेकिन कभी कभी मुझे अपनी बचत लानी होती है। सिर्फ पालने से ही नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि 2 महीने तक के जो चिक्स होते हैं मेरे पास, उनको मैं बाहर का प्लेटेड फीड ही देता हूं, जिसमें प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर है। उसके बाद मैं भी बाजरा और मक्का यूज करता हूं, कभी कभी बाहर का प्लेटेड फीड देता हूं मैं। बाजरा और मक्का अगर आप सिर्फ देते हैं तो जो अपनी मुर्गियां हैं उनकी सभी विटामिन्स वगैरह की, मिनरल्स वगैरह की पूर्ति नहीं हो पाती है, कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो अंडों में डिले होगा, मुर्गी कमज़ोर हो जाएगी, ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने अपना एक खुद का बनाया फॉर्मूला है जो मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। उसका हर तरह का मैंने रिजल्ट देखा है, उसके बाद आप लोगों से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने मिक्सी रखी हुई है, जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें मैं कुछ चीज़ें ग्राइंड करके उनका एक पाउडर बनाने वाला हूँ। तो उसमें चीज़ें क्या-क्या होती हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। वो पाउडर आप एक बार बना के रख सकते हैं और जब भी आप दाना डालें, आप बाजरा या मक्का का मिक्स डाल रहे हैं या बाजरा डाल रहे हैं, कभी मक्का डाल रहे हैं, किसी तरह भी डाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिक्स करके डालें या अलग-अलग डालें, जैसा आपको सूटेबल हो। लेकिन उस बाजरा और मक्का में जो भी आप डालते हैं उसमें इस पाउडर को जो हम बना रहे हैं उस पाउडर को आप मिक्स कर दीजिए। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये मैंने जो सीप होती हैं, जो नदियों में मिलती हैं, सीपियाँ जिनको बोलते हैं, अलग अलग तरह जगह पे होती है, घोंगा भी होता है, जैसे शंख भी होता है, शुक्ला जिसको बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है। नदियों में जो सीपी होती हैं वो मोस्टली सभी लोग जानते हैं। वो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि मेरा पर्ल फार्मिंग का भी काम है, तो उसमें जो मोटिलिटी वाली सीप रह जाती हैं उनको मैं अपने इस काम में लेता हूँ। ये सीप जो है मुर्गियों के लिए कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आप भूल जाएंगे बाहर से मेडिकल स्टोर से चीज़ें लाना। आप, मैंने अभी इसमें ये सीपियाँ कूट ली हैं, कूट के और इनको मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से जार ये भर लिया है। अब ये जार भरने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि दूसरा जो कंटेंट है वो डालेंगे। दूसरा कंटेंट जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने नमक लिया हुआ है, आइडिया से आप लीजिए कि जैसे आपका सीपी 2 किलो है तो आप 250 ग्राम, 300 ग्राम नमक ले सकते हैं। सभी लोग आपको अलग अलग पैरामीटर्स बताएंगे लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं वो बताऊँगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। आप देख रहे हैं मैंने एक बार अपने जार में ये नमक डाल लिया है। नमक आपको साबुत वाला लेना है, न कि कोई थैली वाला लेना है, ठीक है। ये लेने के बाद अब आप देखिए कि मैं अलग अलग वीडियो बना के ये वो इस डाल रहा हूँ।
आपको बता दूं, ये वो सीपी पाउडर था, ये नमक पाउडर है, और ये चीज मैंने जो ली है इसमें मैंने कुछ जो अपने मसाले होते हैं वो यूज किए हैं, जिसमें कि अजवाइन है, अजवाइन के अलावा ये सूखी हल्दी है, जो ये भी साबुत लेनी है आपको, कोई पैकेट वाला नहीं लेना है, ठीक है? तो सूखी हल्दी को भी ग्राइंड करना है, उधर मैंने अजवाइन वगैरह को, काली मिर्च और लौंग वगैरह को मैंने ग्राइंड कर रखा है, उसका पाउडर बना लिया है। मात्रा आप देख सकते हैं, लगभग इस टाइप की लेनी है आपको मात्रा, जैसे मैंने ये आपके सामने लिया हुआ है। अब इसके बाद आप देखिए, तीन चीज़ हो चुकी हैं, चार चीज़ हो चुकी है बल्कि, ये मैंने कंक्रीट पत्थर लिया हुआ है जो मेरे यहाँ खेतों में अवेलेबल होता है। बहुत से लोग लाइम स्टोन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जीरो बजट फार्मिंग पे फोकस रखता हूँ, तभी एक किसान आगे बढ़ सकता है। जीरो बजट फार्मिंग के अलावा एक किसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैंने कोई लाइम स्टोन परचेज नहीं किया, मेरे पास लाइम स्टोन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कंक्रीट पत्थर लिया हुआ है। इसको आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं कूट पीट के और इस तरह से बारीक टुकड़े बना लेता हूँ। वहाँ कंप्लीट बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, साइड में देखिए, यहाँ कटोरी में ये छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक है? ये पत्थर मैंने टुकड़े कर लिए, और करने के बाद इन सबको, इसको भी मैं उसी में मिक्स करने वाला हूँ जो हमारा सीप पाउडर और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट, पांचवा जो कंटेंट है, मैंने, आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रे में डाला हुआ है, वो कोई भी मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल पाउडर आप परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने VM नाम से परचेज किया है, ठीक है? ये वेटनरी शॉप में मिल जाता है, वो उसके ऊपर डाल दिया है, और इसको मिक्स करने के लिए मैंने ये माइक्रोटोन यूज़ किया है। माइक्रोटोन जो है इसमें भी काफ़ी विटामिन्स होती हैं, आप पीछे देख रहे हैं पैकेट में VM का पैकेट रखा हुआ है, वह पाउडर के लिए, और ये माइक्रोटोन इनको मिक्स करने के लिए, ताकि इनमें थोड़ा सा, या भी ये पाउडर जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है VM वाला, या कोई भी आप और मिनरल पाउडर ले सकते हैं, ठीक है? तो उनको उसी चीज़ में मिला के जस्ट आप सीप के बराबर ले सकते हैं या उससे थोड़ा कम भी ले सकते हैं, उनको सभी चीज़ों को मिक्स करके, और इससे माइक्रोटोन लिक्विड है, ये भी एक मल्टी विटामिन लिक्विड है, इस तरह का कोई लिक्विड परचेज कर सकते हैं। मैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको लेना है, मार्केट में बहुत तरह के मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल पाउडर आते हैं, बहुत तरह के लिक्विड आते हैं, कोई भी आप दो ये चीज़ ले लीजिए, ठीक है? हमने अभी तक आपने देखा कि इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली, सिर्फ एक मल्टी मिनरल पाउडर, या जो आप देख रहे हैं कि जो अपने मुर्गियों का ग्रोथ डेवलपमेंट का ये पाउडर आते हैं वो कोई भी ले लिया, ठीक है? उसके अलावा माइक्रोटोन लिया है, बाकी सब चीज़ मैंने अपने घर पे ही जो अवेलेबल है उन्हीं सब चीज़ों से बना रहा हूँ। और उनको माइक्रोटोन से मिक्स करने के बाद आप देखिए कि वो पाउडर मिलाने में, मैश करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसमें अब हल्का सा लिक्विड डालने के बाद ये हल्का भुरभुरा हो जाता है, ये उड़ेगा नहीं, उसको तो चम्मच से डालेंगे तो भी वो डस्ट की तरह उड़ने लग जाता है, अब ये उड़ेगा नहीं। इनको सबको मिक्स करके मैंने अपने एक जार में भर लिया है। इस तरह का आप पाउडर एक बार में महीने का या 2 महीने का बना के रख सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता है। मेरा खुद का अनुभव है कि मैं 2 महीने तक ऐसा एक बार पाउडर बना लेता हूँ और उसको 2 महीने तक यूज करता रहता हूँ। अब आपके सामने देखिए, लोग ज़्यादातर कहते हैं भाई मैं तो बाजरा ही देता हूँ, हमारे राजस्थान में ज़्यादातर क्या होता है, लोगों के बाजरा सबके होता है, तो मुर्गियों पे ज़्यादा खर्चा ना करने के बजाय वो मक्का नहीं खरीद सकते, जैसे MP वगैरह साइड में तो जिन लोगों के पास होता है मक्का, वो तो मक्का डाल लेते हैं, ठीक है? मैं नॉर्मल बाजरा लेके अपने घर की जो चक्की है, ये देख रहे हैं चक्की है उधर, वो उसको जो कटर लगा हुआ है, वो कटर लगा हुआ है, उससे मैं मुर्गियों के लिए हरा चारा काट के और डाल देता हूँ। इधर की जो चक्की है वो घर में आटा पीसने के भी काम आती है, प्लस इस तरह से मुर्गियों का दाना भी दलिया बनाने के काम आती है। बाजरे का मैंने हल्का दलिया इसमें बना लिया है, मोटा दाना रहना चाहिए, बस सिर्फ उसमें से 2 टुकड़े हो जाएं, इस टाइप का दलिया बना लिया। साबुत बाजरा आप कभी मत डालिए, अगर डालते हैं तो उसको उबाल के डालिए, लेकिन रोज उबाला नहीं जाता है, इसलिए आप इस तरह से अपना फीड बना सकते हैं। अब आपने क्वांटिटी अपने मुर्गों के हिसाब से ले ले लेनी है। मैंने आपको दिखाया जैसे क्वांटिटी, अभी मैंने सिर्फ एक दिखाने के लिए डाला है कि आपको किस तरह से वो पाउडर को यूज़ करना है। इस तरह से ये आप बाजरे के ऊपर डाल के अपने, और इसको मिक्स कर दें। मैं इसमें 6 से 7 चम्मच इतने बाजरे में डालूंगा, ये जब बाजरा लगभग 12 किलो के आसपास बाजरा होगा, 10-12 किलो की, उसमें इसमें 5-6 चम्मच इसमें डाल दी, और हल्का मैंने पानी ले लिया, क्योंकि मैं इस चीज़ का अनुभव भी रखता हूँ। मैंने देखा है कि जब हम इसको मैश करते हैं बिना पानी के तो
पाउडर उसमें एक जैसे आटा नीचे रह जाता है, दाने ऊपर आ जाते हैं, उस फॉर्म में अलग अलग हो जाता है, तो हम उसको मिक्स नहीं कर पाते और वो पाउडर भी आटे के साथ नीचे पड़ा रह जाएगा, किसी मुर्गी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, तो हम उनकी हर मुर्गी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको हल्का पानी डाल के और इस तरह से मैं मिक्स कर लेता हूँ। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने में आप खुद करके देखेंगे, आपको पता लगेगा कि ये पाउडर दाने दाने पे चिपक जाएगा। अब जब दाने दाने के पे चिपक जाएगा ये पाउडर, तो कोई भी मुर्गी कहीं से भी कुछ फीड लेती है आपका इस बाजरे में से, तो हर मुर्गी को वहाँ से उसको मिलता रहेगा। अब इनको सबको रख के और मैं अपने थैलों में पैक कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो है प्लेटेड फीड है, जो स्टार्टर फीड है वो डला हुआ है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक थैला मैं बना लूँगा बड़े मुर्गों के लिए, दूसरा थैला ये बना लिया छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस छोटे बच्चे वाले में मैं प्योर बाजरा कभी भी नहीं देता हूँ, चाहे 2 महीने के ही बच्चे हों। 2 महीने के बच्चों को भी, 1.5 या 2 महीने के जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, उनको भी मैं उसमें हल्का फुल्का प्लेटेड फीड मिला देता हूँ। ठीक है, इस तरह से लाके अब आप देखिए, ये लास्ट फाइनल वीडियो में मैंने ये फीड डाला हुआ है फीडर में। अभी मॉर्निंग है का टाइम है, मैंने मुर्गियों को खोल दिया है, खुलते ही ये सारी मुर्गियां इस पे टूट पड़ी हैं किस तरह से, और बड़े चाव से खाती हैं और फुल हेल्दी रहती हैं।